अब उसको समझने वाला तो समझ सकता है, पर ना समझने वाला तो ये सोचेगा कि महाराज ने बता दिया, टोना वाला महाराज है, टोटके वाला महाराज। और जिसने पुराण पढ़ी, इसलिए हम इस व्यासपीठ से आपको कहते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर की एक एक पुराण को उठा कर लेकर आओ, उसको पढ़ो, उसका अध्ययन करो। कल एक महाराज जी ने प्रश्न किया, गुरु जी हम पंडरपुर के निवासी हैं, पर हमने नरहरि सुनार की बेटी का इतना बड़ा चरित्र नहीं पढ़ा था, आपने उसका वाचन किया मालू जी की, मालू बेटी का, आप कौन से पुराण से कौन से शास्त्र में से लिए? तो हम गीता प्रेस गोरखपुर का दृष्टांत सागर 48 नंबर भाग में से उसको लिए थे और उसका स्मरण इस पुराण के अंतर्गत किया, दृष्टांत सागर में से उसको लेकर। आपको जितने भी बेलपत्री के कोई प्रयोग बताए जाते हैं, दुर्वा के कोई प्रयोग बताए जाते हैं, पानी का कोई प्रयोग बताया जाता हो, रुद्राक्ष का कोई प्रयोग बताया जाता हो, वह हमारी पुराणों में लिखा होगा तो हम बोलेंगे, नहीं लिखा होगा तो हम भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसका स्मरण आपके भीतर होना चाहिए, आप पढ़ें और उसको अपनी जिंदगी में उतारें, उसको पढ़ें और अपने जीवन में उतारें। लोग कहते हैं अब जिंदगी में हम तो अवस्था निकल गई, अवस्था निकल गई, अब हम ओल्ड हो गए। क्या हो गए? जम के बोलो जरा, ओल्ड हो गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी अपने मुख से मत कहो कि मैं ओल्ड हो गया, बल्कि ये कहो ये दुनिया की भट्टी में तप तप कर मैं गोल्ड हो गया। काहे को ओल्ड हो गए हम? कौन कहता है कि ओल्ड हो गए? कौन कहता है कि पुराने हो गए? कौन कहता है कि बूढ़े हो गए? ये दुनिया की भट्टी में हम तप रहे हैं, काम आसक्ति तृष्णा लोभ परिवार नाते कुटुंब कबीला, इसमें हमें तपन हो रही है, उसमें हम तपे हैं, उसमें हम तपे हैं, उसमें हम तप रहे हैं। हम ओल्ड नहीं हुए, हम गोल्ड हुए, चमक कर। बुजुर्गों को कभी भी यह मत समझना कि वो ओल्ड हो गए, बल्कि बुजुर्गों को ये समझो कि वो तप तप कर गोल्ड हो गए, उनके बराबर कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। बच्चा बोलता है तो माता पिता को अच्छा लगता है, बोलो सही है कि गलत है? छोटा सा बच्चा बोलेगा नहीं तो माँ बाप को अच्छा नहीं लगता। कई पत्र आते हैं, मेरा बच्चा नहीं बोलता, कोई कहता मेरा बच्चा नहीं बोलता, हम कहते हैं बच्चा बोलता है तो माता पिता को अच्छा लगता है। समय चला गया, बच्चा बड़ा हो गया, शादी हो गई, अब माता पिता बोलते हैं तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता है। समय बदल गया, समय परिवर्तित हो गया, समय बदला। बच्चा बोलता है बचपन में तो माँ बाप को अच्छा लगता है, बच्चा बोलता है तो माता पिता को अच्छा लगता है। बच्चे की शादी भी हो गई और बच्चा बोलेगा ना तो माता पिता सुनते हैं। अगर बेटा थोड़ी देर अपने मम्मी पापा के पास आकर बैठेगा, सोफे पर बैठेगा, कुर्सी पर बैठेगा और बात करेगा तो माँ बाप को अच्छा लगेगा। बच्चा जब तक बोलता रहता है माँ बाप को अच्छा लगता है। माँ बाप कितने भी बूढ़े हो जाएं पर अपने बच्चे के बोल उसको अच्छे लगते हैं। बच्चा बोलता है माँ बाप को अच्छा लगता है, पर एक समय ऐसा आ जाता है कि माँ बाप बोलते हैं तो बच्चे को बुरा लगना प्रारंभ हो जाता है। एक निवेदन, वो गोल्ड है, आप उसके पास बैठोगे तो उस गोल्ड की चमक तुम्हारे को भी जिंदगी में आएगी और तुम भी गोल्ड हो जाओगे। उसके करीब बैठिए। भगवान विष्णु के बच्चे कभी भगवान विष्णु के पास में नहीं बैठे, ब्रह्मा जी के बच्चे कभी ब्रह्मा जी के पास में नहीं बैठे, केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनके बच्चे उनके पास में बैठे। केवल देवाधिदेव महादेव उनके बच्चे उनके पास में बैठे। क्यों? क्योंकि गणेश जी को मालूम है मैं बुद्धि का देवता बाद में हूं, पहले महादेव का शिष्य हूं, महादेव के चरणों में रहता हूं, उन्होंने मुझे बुद्धि दी है। रिद्धि सिद्धि का पति बाद में हूं, ये रिद्धि सिद्धि मेरे महादेव ने मुझे प्रदान करी।
जो दिया इसने दिया। जो मिला इसी से प्राप्त, शिव भक्ति मिल नहीं पाई। अगर आज आप और हम भगवान शंकर की भक्ति कर रहे हैं तो ये मानकर चलें कि स्वयं शिव का एक अंश अवतार के रूप में ही आप और हम सब हैं। जितने संत साधु गुरुजन भगवत जन है ये सब शिव का एक स्वरूप है। जो पृथ्वी पर जन्म लेता है मृत्यु लोक में रहता है वो मंदिर में भगवान ढूंढता है। मंदिर में दर्शन करने गए हम वहां भगवान को ढूंढ रहे हैं। पर हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम मंदिर में तो भगवान ढूंढते हैं पर अपने घर में जो रह रहा है उसमें हम भगवान नहीं ढूंढ पाते हैं। बच्चे हैं, पत्नी है, पति है, माता है, पिता है, भाई बंधु कुटुंब परिवार है, ये भी तो एक शिव का ही स्वरूप है। ये भी एक भगवान शंकर का ही स्वरूप है। और जिस दिन हमने इनमें भगवान का दर्शन करना प्रारंभ कर दिया फिर हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परमात्मा हमारे घर चलता है। किसी को अपशब्द कहने से पहले ये विचार करा जाए कि अपशब्द जिसको कहा जा रहा है, जिसको बोला जा रहा है उसके लिए है क्या? हम किसी को कुछ दे रहे हैं उसका फल हमको मिलता है। कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है कि घर की जितनी झूठन बची होती है वो गाय को खिला देता है। बर्तन मांज रहे थे, बर्तन मांजने में जितनी झूठन निकली, जितना झूठा निकला उसको एक बर्तन में इकट्ठा कर लिया और उस झूठन को गाय को खिला दिया, वो झूठन को गौ माता को दे दिया। एक बड़े भाव से स्मरण करिएगा आप, आपने गौ माता को झूठन तो दे दिया पर यदि गरुण पुराण को अगर आपने स्मरण किया होगा, गरुण पुराण को सुना होगा तो उसमें वर्णन आता है गाय को झूठा खिलाने वाले का अगला जन्म कुतिया का हो जाता है और उसको भी झूठा चाटना पड़ता है। तैतीस कोटि देवी देवता गौ माता के अंदर विराजमान है। आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, दरवाजे पर आई हुई गाय का केवल दर्शन ही कर लोगे तो भी। अभी हमने कथा में कहा कि मंदिर में मूर्ति में हम भगवान ढूंढ रहे हैं पर अपने आसपास में, अपने घर के पास में, अपने घर के अंदर भगवान को नहीं ढूंढ पा रहे। जो दिया तुमने वो तुम्हें मिलता है, जो प्रदान करा तुमने वो तुम्हें प्राप्त होता है। एक
राजा पृथु का एक संवाद आता, राजा पृथु का एक संवाद बड़ा सुंदर है, जिसके अंतर्गत उन्होंने दरवाजे पर एक संत भिक्षा के लिए आए और जब संत भिक्षा के लिए आए उस समय पर राजा अपने अस्तबल में थोड़ा सा देखने के लिए गए हुए थे और जब अस्तबल में देखने के लिए गए हुए थे तो उस समय पर एक संत ने आकर राजा के सामने आवाज लगाई, महाराज बहुत भूख लग रही है, आप मुझे कुछ खाने को ले दो। राजा पृथु संत की उस मांगनी पर, संत की उस भिक्षा पात्र में घोड़े की लीद उठाकर डाल देते हैं, घोड़े की लीद उन्होंने भिक्षा पात्र में डाल दी। जब घोड़े की लीद उस भिक्षा पात्र में डाली तो संत को क्रोध नहीं आया। संत, साधु, गुरुजन, महात्मा, कीर्तनकार, पांडुरंगा का स्मरण करने वाले हो, भगवान की भक्ति करने वाला कोई संसारिक मनुष्य भी हो तो उसको क्रोध नहीं आया। भिक्षा में लीद डाल दी गई, घोड़े की लीद। संत उस लीद को लेकर चले गए, अपने आश्रम के बाहर उन्होंने उस लीद को एक कोने में डाल दिया। अब घोड़े की लीद कोने में डाली, 2 महीने बाद राजा पृथु घोड़े पर बैठकर जब नगर घूमने के लिए गया तो जंगल में गया तो उसको संत का आश्रम मिला। उसने महाराज जी को प्रणाम करते हुए विचार करा कि ये संत के पास में कोई घोड़ा नहीं दिख रहा, कोई अस्तबल नहीं दिख रहा, पर ये संत की कुटिया के पास में ये इतनी सारी घोड़े की लीद का ढेर लगा हुआ है, कम से कम 25-50 किलो लीद यहाँ पड़ी हुई है, तो मतलब यहाँ तो कोई घोड़ा दिख नहीं रहा, फिर ये लीद कहाँ से आ। राजा उस संत के चरणों को प्रणाम कर कर बोला, महाराज आपके यहाँ कोई घोड़ा नहीं दिख रहा तो ये लीद, इतनी सारा ढेर कहाँ से आ गया घोड़े की लीद का। संत ने कहा, मैं जब एक नगर में भीख मांगने के लिए, भिक्षा लेने के लिए जब मैं गया, भिक्षा पात्र लेकर जब मैं भिक्षा लेने के लिए गया तो एक राजा ने मेरे कटोरे में ये भिक्षा में लीद दी थी और कहा था ले ये खा लो। वो लीद लाकर मैंने अपने आश्रम में डाल दी थी तो राजा की आंख में आंसू भर गए और हाथ जोड़कर पांव पड़कर बोला, मैंने तो लीद इतनी सी दी थी, फिर ये 50-100 किलो लीद कैसे हो गई। संत कहते हैं जो दान किया है वो बढ़ता भी तो है। तुमने जो दान किया है वो बढ़ता भी तो है। महाराज क्षमा करें, मैंने आपको खाने को लीद दी थी। संत कहते हैं, राजन अब तुमने जो दान करा था वो बढ़कर तुम्हें मिलेगा, ये इतनी जो लीद है ना ये तुम्हें ही खाना पड़ेगी, ये संसार की रीति है। झूठा दिया है तो झूठा खाना पड़ेगा, अच्छा दिया है तो अच्छा खाना पड़ेगा। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि तुम्हारा ससुर भी भोजन करने बैठे तो जैसे तुम्हारी पति की थाली लगाती हो प्रेम से, ऐसे ससुर की थाली लगना चाहिए प्रेम से। अपने बेटे को
दूध में भले मलाई ना मिले चलेगा, पर जेठानी या देवरानी के बेटे के दूध के गिलास में मलाई डलना चाहिए, क्योंकि तेरे बेटे के दूध में परमात्मा डाल देगा। जो तुमने दिया है वो तुम्हें प्राप्त होगा। किसी को अच्छा दिया तो अच्छा मिलेगा, किसी को बेकार दिया तो बेकार मिलेगा। राजा ने कहा, मुझे राजा प्रथु कहते, मुझे लीद खाना पड़ेगी, गोबर ये घोड़े की लीद। हाँ महाराज, क्षमा कर दो, मैं क्या करूं कि ये लीद मुझे खाना ना पड़े, उसका कोई उपाय? लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज जी उपाय बताते हैं, पर एक एक पुराण को उठाकर देख लीजिए। राजा परीक्षित ने भी सुखदेव जी से पूछा था, 7 दिन में मेरे प्राण छूटेंगे, मेरे बचने का उपाय? नारद जी को श्राप लगा तो नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा था कि मेरे परम धाम जाने का उपाय? दशरथ जी के घर में जब संतान नहीं हुई तो उन्होंने विश्वामित्र बाबा, उन्होंने वशिष्ठ बाबा से प्रार्थना करी थी कि मेरे यहाँ संतान होने का उपाय। यशोदा जी के घर में जब संतान नहीं हुई तो उनकी माँ पाटला देवी ने भगवान शंकर के सम्मुख में संत से कहा था, मेरे बेटी के घर में संतान हो जाए, उसका उपाय? सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी भूषमा के संतान मर गई, उसको प्राप्त करने का उपाय? विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, ब्रह्मवेवर्त पुराण, पद्म पुराण, नारद पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, शिव महापुराण, स्कंद पुराण, जितने भी पुराण उठाकर देखोगे उसमें कुछ ना कुछ, पूरी कथा को पढ़ना है, उसमें लिखा है इसका ये उपाय, संतों ने बताया, साधुओं ने बताया, केवल सियोर वाले महाराज ने नहीं बताया, वो तो बदनाम सियोर वाला महाराज हो गया, नहीं तो उपाय तो पूरी पुराणों में बताए गए। देवऋषि नारद ने भी पूछा कि उपाय बताओ, दशरथ जी के घर में औलाद नहीं हुई, संतान नहीं हुई, तो उन्होंने पूछा उपाय बताओ। गोपियां कहती हैं कि कोई उपाय बताओ। अगर बिना पढ़े बोले होते ना तो आज इतने सारे लोग आते हैं, उनके इतने सारे पत्र आते हैं, क्या उनको लाभ मिलता, क्या उनको फायदा मिलता? पढ़ा, पुराण में से निकाला, बोला। अगर नहीं, एक पत्र आया, देखिए उसने अपनी रिपोर्ट तक लगाई है ब्लड कैंसर की।